जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज 11, 12 साइंस के स्टूडेंट के लिए JEE नीट जैसी एग्जाम का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एंड इसका डर दूर करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो के साथ आते हैं। तो ऑलरेडी आज के शॉर्ट वीडियो में मैं लेकर आया हूँ नीट 2018 का क्वेश्चन, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर नंबर 1 पर डिपेंड है। तो बच्चों ध्यान से देखना स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेश थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस एच इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। तो बच्चों ये पहला फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे दिया गया था, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन है जो फ्री फॉल कर रहा है एंड डिस्टेंस h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अभी सेकंड पार्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। तो अभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स है, लेकिन डाउनवर्ड कर दिया है एंड इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक प्रोटॉन, यहां पर प्रोटॉन दिया गया है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने बात की थी वो इलेक्ट्रॉन की थी, अभी प्रोटॉन है। इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेश इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन, सही है। तो बच्चों अगर आपको याद है तो एक ऐसा सम ऑलरेडी हम एनसीईआरटी के सिलेबस में कवर कर आए हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने के बाद प्रोटॉन के बारे में सोचना है एंड अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है। ऑलरेडी हम पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर ऐसा ही है एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में ही मूव होगा, तो यहां पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिंग नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, यहां पर ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉन एंड ये प्रोटॉन के लिए जो भी एक्सीलरेशन मिलता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फाइंड कर लेंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, तो वी नो वेरी वेल F इज इक्वल टू ma, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन पर ओनली वन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। बट हमें पता है ये फोर्स यहां पर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जो भी फोर्स लगेगा वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल F इज इक्वल टू QE होगा, सही है, वेयर Q इज अ चार्ज ऑफ गिवन पार्टिकल यहां पर होगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है, तो अभी मैं ये दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, तो वी गेट एक्सीलरेशन A विच इज इक्वल टू QE अपॉन M हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलरेशन फाइंड कर दिया है। अभी ध्यान से देखना, यहां पर आपको पता है कि ये जो Q चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मास है, तो अभी मुझे यहां पर ये एक्सीलरेटर की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए कांस्टेंट एक्सीलरेटर मोशन की फॉर्मूला, सही है। यहां पर डिस्टेंस h दिया है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको पता है कि डिस्टेंस भी दिया है टाइम भी दिया है, तो ऑब्वियसली हम kr फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है d इज इक्वल टू v0d प्लस 1/2 h स्क्वायर, d इज इक्वल टू v0d प्लस 1/2 h स्क्वायर, यहां पर फ्री फॉलिंग है एंड ऑब्वियसली फ्री फॉलिंग फ्रॉम रेश है, तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्टेंस यहां पर h है, तो h इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर होगा। मुझे टाइम चाहिए तो मैं टाइम को यहां पर सब्जेक्टिव बना रहा हूं, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन a मुझे मिलेगा। चलो मैं a की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h, एक ही जगह यहां पर होगा QE, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। बोलो क्लियर बच्चों। अभी ध्यान से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख रहा है, यहां पर हमें कंपैरिजन करनी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये टू कांस्टेंट है, दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है, दोनों के लिए चार्ज भी सेम है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है,
तो यहां पर हमें पता है कि ओनली डिफरेंस क्या है, मास का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली यहां से मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, टी प्रोपोर्शनल टू रो टैम। बोलो क्लियर। तो इस पर से हम हमारा आंसर यहां पर डिसाइड करेंगे। लेकिन बच्चों मैं यहां पर एक बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन के जो भी फोर ऑप्शन दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके का दिया गया है कि ए ऑप्शन है भी इक्वल है, बी ऑप्शन है भी स्मॉलर है, सी ऑप्शन है 10 times ग्रेटर है, डी ऑप्शन है 5 times ग्रेटर है। तो मुझे ये फोर ऑप्शन में से लाना है। तो ध्यान से देखना, यहां पर ये दोनों पार्टिकल के लिए मास मुझे पता है। अगर हम मास को कंसिडर करेंगे तो वी नो वेरी वेल कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × −31 kg होगा, एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × −27 kg होगा। तो मुझे यहां पर कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहां पर क्लियरली दिखाई देता है कि मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन है। सही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मुझे फाइंड करना है कंपेयर टू प्रोटॉन। इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड रखा है, तो ऑब्वियसली यहां से जाएंगे तो हमें क्लियरली दिखाई देगा कि TE लेस देन PP मुझे मिलेगा। सही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी टाइम लगेगा वो कंपेयर टू प्रोटॉन कैसा होगा, स्मॉलर वैल्यू होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर मेरा आंसर आएगा स्मॉल। बोलो क्लियर। तो बहुत ही आसान था ये, ऑब्वियसली फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर मैंने पहले ऑब्टेन कर दिया ये फॉर्मूला। बोलो क्लियर। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा, एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि कंसेप्ट अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।